नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको शस्त्र खरीदने की प्रक्रिया से संबंधित एक वीडियो बनाई थी कि जो है पुराना शस्त्र बेचकर किस प्रकार नया शस्त्र लें। इस प्रकार की एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसका ये दूसरा पार्ट है। वो पार्ट ये है, इसमें हम ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि किसी दूसरे राज्य से अगर आपका लाइसेंस जो है अपने राज्य या अपने जनपद तक सीमित है, उसकी वैधता, और आपको अपना लाइसेंसी शस्त्र किसी दूसरे राज्य से लाना है, सपोज के तौर पर उत्तर प्रदेश से, पंजाब या हरियाणा से, या तमिलनाडु से, पंजाब से लाना है, किसी भी जगह से लाना है, क्योंकि जहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा 4 पैसे, आप वहाँ से अपना हथियार लाना पसंद करेंगे। क्योंकि इस समय वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूँ, एक 45 बोर में और 34 पिस्टलों की एक मार्केट में काफ़ी उछाल आ चुका है। आए दिन नए नए पिस्तौल मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल वर्तमान में MSD चैम्पियन, MSD गार्डियन और वो वेबले का जो 45 बोर है दबा करके सेल हो रहा है। लोग अपना पुराना ऑर्डिनेंस बेच करके दबा करके जो है MSD चैम्पियन या गार्डियन, जो भी जिसकी पसंद हो, उस प्रकार का हथियार अपने लाइसेंस पर ले रहा है। और इस समय दोस्तों आप यकीन मानिए, ऑर्डिनेंस के पुराने हथियारों की रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। जो मार्क टू पिस्टल 1.20-1.35 का आया करता था, या RFI पिस्टल, आज उसकी रीसेल वैल्यू 50-60 तक आ गई है। किसी किसी का तो 30-35 हज़ार रुपये तक में भी डीलर लेने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप पुराना ख़रीदने चले जाएंगे तो आपको वो 70-80 या 90 से कम नहीं देगा। तो ये एक डीलरों की बड़ी विचित्र माया है हमारे देश में। और क्योंकि जब आप कोई चीज़ बेचने जाओ तो 10 तारीख कि मार्केट डाउन हो गई, ये हो गया और वो हो गया, और जब चीज़ ख़रीदने जाओ तो उसके पूरे दाम। सेम स्थिति जो है इस समय 45 बोर के लेकर चल रही है। इसकी कीमत में हर जगह जो है बहुत ज़्यादा अंतर है, कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। इस समय से ये कीमत MSD काफ़ी डाउन हो चुकी है। किसी किसी जगह 3.20, 3.30, 3.15 का भी सुनने में आ रहा है, बिक रहा है। जो नए वाला जिसमें नई टेक्टिकल ग्रिप और 10 शॉट की मैगजीन है, वो भी 3.30 या 3.25 के आसपास का है, किसी जगह 3.40। और जबकि मेरे खुद के क्षेत्र में ये 3.80, 3.70 का बिक रहा है, बबले 3.90, 4 लाख का बिक रहा है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी इसकी कीमत में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। और पंजाब के अंदर दोस्तों, या चंडीगढ़ और मोहाली साइड में इसके दाम कम है, क्योंकि बड़े बड़े डीलर बैठे हुए हैं, वो बल्क में पिस्टल मंगाते हैं, उससे उन्हें फैक्ट्री सस्ती पड़ जाती है, तो इसके कारण वो ग्राहकों को उसका फ़ायदा होता है, माल भी सस्ता बेचते हैं। और दूसरा, पंजाब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी एक कारण है कि वहाँ के डीलर 45 बोर की पिस्टल जो है सस्ती बेचते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप जो है अगर MSD की वेबले या जो है चैम्पियन कोई भी हथियार खरीदना चाह रहे हैं, या पिस्टल को छोड़ दो, M1 ग्रांड राइफल या कोई भी इम्पोर्टेड वेपन आपको किसी दूसरे स्टेट से खरीदना है, तो उसकी कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। उसी के विषय में आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका लाइसेंस ऑल इंडिया है, नंबर एक बात, अगर आपका लाइसेंस ऑल इंडिया है तो आप किसी भी देश के कोने में किसी भी वैध लाइसेंस धारक या वैध लाइसेंस डीलर से अपना हथियार खरीद सकते हैं, अपना पुराना हथियार बेचकर और उसकी एंट्री डिलीट कराकर, और आप बड़ी आसानी से उसको अपने लाइसेंस पर दर्ज करा सकते हैं अगर ऑल इंडिया लाइसेंस है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑल इंडिया लाइसेंस पर किस प्रकार की मोहर होती है आगे। और बाई चांस अगर आपका लाइसेंस ऑल इंडिया नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष में वैलिड नहीं है, उसकी वैधता केवल एक जनपद में या एक राज्य तक सीमित है, या बहुत से लाइसेंस होते हैं जिनकी वैधता 4 से 5 राज्यों की भी होती है, लेकिन आपको जिस जगह से पिस्तौल लानी है उस राज्य की वैधता आपके लाइसेंस पर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको वहाँ सर हथियार लेने के लिए आपको NOC की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही NOC आप लेंगे, उसी NOC के बिहाफ पर डीलर वहाँ के कलेक्ट्रेट असला बाबू यानी शस्त्र सहायक कार्यालय के यहाँ से TL यानी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपको प्रदान कराएगा, जिसको TL बोलते हैं आसान भाषा में। तब आप जा कर के सड़क मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग से अपना हथियार दूसरे राज्य से ला सकते हैं जहाँ पर आपका शस्त्र लाइसेंस वैलिड नहीं है। वो उस TL की वैधता कहीं 1 महीने, कहीं 3 महीने अलग अलग होती है। इसी प्रकार NOC की भी एक वैलिडिटी होती है कि इतने दिन तक ही NOC
आप ले सकते हैं। तो एनओसी बनवाने की जो प्रक्रिया है और एनओसी किस प्रकार की होती है, क्या मैटर उसमें लिखा जाता है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। एनओसी बनवाने के लिए दोस्तों, अगर आपका लाइसेंस किसी एक राज्य का है, दूसरे राज्य से आपको पिस्तौल लानी है, तो सबसे पहले आपको 500 रुपये का चालान शस्त्र सहायक कार्यालय में जमा करना पड़ेगा, असला बाबू कार्यालय जिसको बोलते हैं, अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में, अपने वैध लाइसेंस की कॉपी के साथ में। और उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि मैं अमुक राज्य से, अमुक डीलर से, उस डीलर का पूरा नाम मेंशन करना पड़ेगा, जो वैध शस्त्र लाइसेंस डीलर है, शस्त्र क्रय करना चाहता हूँ और मुझे इसकी अनुमति प्रदान की जाए सड़क मार्ग या रेल मार्ग के द्वारा हथियार लाने की। तब वो आपको 2 से 3 दिन में आपको एनओसी प्रदान करा देते हैं। अभी एनओसी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की होती है। और एनओसी लेने के बाद दोस्तों, आप वो एनओसी ओरिजिनल कॉपी मूल प्रति आप एनओसी बाय डाक रजिस्ट्री द्वारा आपको उस डीलर को भेजनी पड़ती है जिसके यहाँ से आपको हथियार ख़रीदना है। ओरिजिनल फोटोस्टेट से यहाँ काम नहीं चलता दोस्तों। ओरिजिनल कॉपी लेने के बाद आपको जो है वो डीलर को जो है, जब आप कॉपी भेज दोगे, वो उसी कॉपी के आधार पर एनओसी की टीएल अप्लाई करेगा। टीएल अप्लाई करने का भी अभी मैटर मैं आपको दिखाऊंगा और टीएल कैसा होता है ये भी आपको दिखाऊंगा। जब आप वो टीएल या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस ले लेगा, तब आप जो है उस वैध शस्त्र धारक के लाइसेंस डीलर के यहाँ सर हथियार ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी आते हैं। डीलर केवल एनओसी के आधार पर भी आपको लाइसेंसी हथियार दे सकते हैं, लेकिन डीलर अपनी सुरक्षा के लिए टीएल बनवा लेते हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। कई ऐसे केस होते हैं, कई ऐसे मेरे जानकार हैं जो केवल एनओसी पे ही अपना हथियार ले आए विदाउट टीएल। लेकिन यह है कि दुकानदार अपनी सेफ्टी के लिए, कहीं लाइसेंस फर्जी तो नहीं है या आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए डीलर टीएल बनवा लेते हैं। लेकिन ये डीलरों के लिए तो मैंडेटरी है, आम ग्राहकों के लिए नहीं है। फिर भी मैं आपको इसकी प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो आपको जो है इस तरह का चालान, आपको ई चालान भरना पड़ेगा पहले 500 रुपये का। इसमें ये तो खैर एक लाइसेंस उसका है दोस्तों, सेल परमिशन का, लेकिन यहाँ आपको एनओसी लिखना पड़ेगा। और एनओसी लिखने के बाद जो है आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर आपको एक जो एप्लीकेशन का मैटर भी मैं दिखाऊंगा, उसके साथ आपको अपना ये चालान जमा करना पड़ेगा शस्त्र सहायक असला बाबू कार्यालय में, अपने लाइसेंस की मूल वो फोटो स्टेट के साथ में। तो दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन का प्रारूप है जिसमें एनओसी लेने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई की गई है, जिसमें लिखा गया है श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय, शस्त्र अनुभाग और विषय में जो भी जिस गन डीलर से आपको हथियार लेना है लाइसेंसी, उस पर उसका आपको विवरण देना पड़ेगा। अमुक गन हो उससे जो है हमें पिस्टल खरीदने के लिए या राइफल खरीदने के लिए एनओसी की आवश्यकता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं अपने लाइसेंसी शस्त्र एमपी वोर, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि अगर आपके पास 32 बोर का भी लाइसेंस है तो आप कोई भी एमपी बोर खरीद सकते हैं। इसमें कोई अलग से आपको आवश्यकता नहीं है कि बोर चेंज कराया जाए। अगर बोर नॉन प्रोहिबिटेड एमपी बोर पिस्तौल पर अमुक गन हाउस से मुझे हथियार खरीदना है, तो उसके लिए मुझे एनओसी की आवश्यकता है। कृपया अमुक राज्य से शस्त्र लाने के लिए सड़क या वो रेल मार्ग द्वारा परिवहन करने की आज्ञा प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर इसमें आप अपना लाइसेंस संख्या और थाना कोतवाली नंबर लिखेंगे और साथ ही UIN नंबर का आप उल्लेख करेंगे। फिर आप इसे धन्यवाद लिख करके अपना नाम पता इत्यादि सब इसमें लिखेंगे, ये एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, इस तरह की एनओसी होती है, इस पर लिखा होता है कि शस्त्र एवं कारतूस क्रय करके लाने के लिए, क्रय करके लाने के लिए अनापत्ति पत्र। और इस तरह की ये एनओसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से असला बाबू यानी शस्त्र सहायक के यहाँ से मिलती है। और ये एनओसी की मूल प्रति आपको जो है अपने शस्त्र लाइसेंस डीलर को, जिसके यहाँ से आप शस्त्र ला रहे हैं, वो आपको देनी पड़ेगी मूल प्रति, और फोटोस्टेट अपने पास रखनी पड़ेगी। और जब आप हथियार लेने जाएंगे तब भी आपको इसकी फोटोस्टेट की कॉपी अपने पास रखनी होगी। और उसके बाद इस प्रकार का टीएल आपको डीलर बनवा के देगा। ये टीएल लिखा होता है, इसमें आपके हथियार की सारी विवरण, उसका नंबर, कितने कारतूस आपने लिए हैं, हथियार का जो 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 भी आपने हथियार लिया है उसका नंबर इस पर लिखा होता है, सारी डिटेल होती है। और कौन कौन से एरिया आपके रास्ते में आएंगे तब जा कर के सारी चीज़ उसमें लिखी होती है। और इस प्रकार का एक मोहर डीलर आपके लाइसेंस पर ला करके देगा विद बिल। साथ ही दोस्तों, जब आप जो है
अपना लाइसेंसी हथियार लिया होगा, जब डीलर आपको भी बिल दे देगा और अपने स्टैम्प आपके लाइसेंस पर लगा देगा कि ये आपने कौन सा हथियार लिया है, उसका नंबर उसको डाल देगा, आप बिल आप लिया होगे, तब आपको एक पूरी फाइल तैयार करनी होगी, अपने असला बाबू के पास लेके जानी होगी, अपने लाइसेंस पर उस बाहर से खरीदे गए हथियार का अंकन कराने के लिए, यानी नंबर कराने के लिए। उस फाइल में आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले तो आपको इस तरह की एक एप्लीकेशन बनानी होगी जिसमें आपने ये लिखा होगा कि श्रीमान सक्षम अधिकारी क्षेत्र अनुभाग सेवाएं महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं अमुक अमुक गहना उससे अमुक नंबर का रिवॉल्वर पिस्तौल या राइफल जो भी आपने लिया है क्रय कर लिया है, और कृपया उक्त शस्त्र का अंकन मेरे लाइसेंस पर पृष्ठांकित किया जाए, अंकित किया जाए और ऑनलाइन भी अपडेट किया जाए, और आपकी अति कृपा होगी। फिर अपना लाइसेंस नंबर, UIN नंबर लिखकर अपने साइन करने होंगे आपको, लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी जमा होगी, साथ ही फोटोस्टेट कॉपी भी आपको फाइल में लानी होगी, लाइसेंस की मूल प्रति के साथ लाइसेंस की फोटोस्टेट कब तक वैलिड है, उसकी वैलिडिटी कब तक है, और साथ ही आपको NOC की फोटोस्टेट, जो आपको TL दिया है TL की फोटोस्टेट वो आपको लगानी होगी, साथ ही आपको जो है जो डीलर ने बिल दिया है वो ओरिजिनल बिल की कॉपी आपको लगानी होगी, और ये एप्लीकेशन। तो एक छोटी सी फाइल बना करके 500 रुपये के चालान के साथ आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी जो भी आप काम कराएंगे बार बार 500 का चालान लगेगा, यानी अगर आपने एक पुराना लाइसेंसी हथियार बेचा है तब बेचने 500 का, डिलीट कराने में 500 का, और ख़रीदने में भी 500 का, और NOC में भी 500 का चालान लगेगा, हर बार 500 रुपये का चालान आपको बार बार देना पड़ेगा। तो 500 के चालान के साथ ये 4-5 कागज़ दोबारा बता रहा हूँ, 500 के चालान के साथ सबसे पहले एप्लीकेशन कि मुझे लाइसेंसी हथियार अपने लाइसेंस पर चढ़वाना है, फिर उसके बाद NOC, उसके बाद TL और अपने लाइसेंस की आगे पीछे की पूरी कॉपी, कहाँ तक कब तक वैलिड है इस चीज़ की, जिसमें जानकारी स्पष्ट हो, UIN नंबर के साथ आपको मूल प्रति लाइसेंस के साथ देनी पड़ेगी, तब 2 से 3 दिन में आपका हथियार आपके लाइसेंस पर दर्ज हो जाएगा। तो इस पर ये बहुत ज़्यादा विस्तार से मैंने वीडियो बना दी, इस तरह की जानकारी वाली और वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या जानकारी चाहिए। दोस्तों, ऑल इंडिया लाइसेंस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ऑल इंडिया लाइसेंस से ना तो आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है ना TL की ज़रूरत पड़ती है, आप बिना किसी झंझट के अपना हथियार खरीद सकते हैं किसी भी राज्य से। आगे इस वीडियो पर अच्छे लाइक आए तो ऑल इंडिया लाइसेंस कैसे कराया जाता है इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा दस्तावेजों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।